हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिटगर्ड के ऊपर क्या चल रहा है, पायलट के रिलेटेड क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, बेबी डोज कॉइन किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, लवली इनू के क्या हालात है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बेबीडोज, किशुइनु, लवलीनु, फ्लोकीनु, जो भी नाम है, जो भी कॉइन्स है, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले मार्केट के हालात। बिटकॉइन वाइज 25,880 डॉलर पे चल रहा है, 1.1% डाउन जा चुका है। 1634 पे हमारा आईथीएम चल रहा है, 0.6% डाउन जा चुका है। 214 पे बीएनबी चल रहा है, 0.9% डाउन है। एक्सआरपी 0.5 डॉलर पे चल रहा है। कार्डानो की बात करें तो 0.25 डॉलर पे चल रहा है। डोजकॉइन 0.63 डॉलर पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट के साथ अगर देख लिया जाए भाई हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो भाई वो आज हमें तकरीबन 41 स्कोर के साथ फेयर में देखने को मिल रहा है, जो कल था 46 स्कोर के साथ फेयर में, लास्ट वीक 39 स्कोर के साथ हमें फेयर में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ की बात करें तो 53 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में भी देखने को मिला था। यहाँ पे हम हालात देख लेते हैं लवलीनू के, तो भाई लवलीनू 1.2% डाउन है, 1165 नंबर पर रैंक कर रहा है। बेबी डोज कॉइन की बात करें 168 नंबर पर रैंक कर रहा है, 1.7% बढ़ चुका है। बिटगर्ड की बात करें तो भाई हमारा जो प्राइस है वो 2.6% डाउन जा चुका है और 289 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये तीनों कॉइन्स के यही हालत है। पाई की प्राइस मैं आपके साथ नहीं शेयर करने जा रहा, क्योंकि पाई की प्राइस फिलहाल हमारे लिए कोई भी इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं रखती। तो यहाँ पे पाई का जिक्र हो चुका है, तो भाई पाई की थोड़ी बहुत न्यूज़ शेयर कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो पाई के जो हैं फाउंडर हैं निकोल कोलास, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, निकोलस वायरफ समथिंग, इस तरह कोई नाम है, तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई ये तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा है, जवान की तरह। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देखते हैं 2020 में इसका लुक देखें, 21 में देखें, 22 में देखें, तो यहाँ पे 23 में इन्होंने एक इमेज शेयर किया, तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी यंग लग रहा है। तो वहीं पे अगर हमने देखा कि भाई पाए के रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, जो पाए का जो KYC का जो रेट है वो सिग्निफिकेंटली जो वो इंक्रीज हो रहा है, तकरीबन अराउंड 30% जो है वो जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं पर हमने देखा है कि जो पाए जो है जो ऑलरेडी जो लोकल है वो क्या कर रहे हैं, लोकल बिजनेस में P2P की ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर रहे हैं, लोकल बिजनेस में क्या कर रहे हैं, पाए को एज ए पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, एज ए नेटिव करेंसी यूज़ कर रहे हैं पाए को लेके। वहीं पे पाए NFT के नाम से एक और वेबसाइट आ चुकी है, जहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका अपना NFT हो, अपनी NFT की जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मिंट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है पाए खुद के अंदर लेके आया है, पाए NFTs के नाम से, जो आप पाए के ब्राउजर में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जोड़ी मोटी बातें थी पाए के रिलेटेड। तो वहीं पे हम चलते हैं बिटगर्ड को लेके। तो भाई बिटगर्ड का 10 सितंबर एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है बिटगर्ड के लिए, प्राइस के लिए। पर्पल मून चल रहा है, कहा जा रहा है कि भाई बिटगर्ड टू द मून जा रहा है। आई थिंक हो सकता है कि इसकी जो व्हीकल जो आने वाली है क्यूब राइज, तो उसके रिलेटेड कोई अपडेट हमें देखने को मिल जाए। उसके बाद नाव वॉलेट के साथ हमें इसकी पार्टनरशिप वगैरह देखने को मिली है। तो बिटगर्ड के रिलेटेड फिलहाल कोई नई इतनी बड़ी कोई खबर हमें नहीं देखने को मिली। अब कल का वेट करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ बेबी डोज कॉइन ने धूम मचाई हुई है, खुद का एक नया टूल लेके आया है बेबी डोज कॉइन, जिसे हम कहते हैं बेबी डोज कॉइन AI। जी बिल्कुल, उस AI की मदद से जिस तरह मिडजर्नी वगैरह में जो है आप जो करते हैं, इसी तरह जो हैं आप सिंपली इसमें भी लिखेंगे बेबी डोज कॉइन, जो मिडजर्नी में आप कमांड लिखते हैं आपकी इमेज जनरेट हो जाती है। तो आप इस तरह AI टूल में भी वही चीज़ें आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, फिर आप उनके NFTs बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप बेबी डोज कॉइन में देख सकते हैं। उसके बाद हमें बेबी डोज कॉइन के जो NFTs वगैरह हैं वो बाइनेंस की NFT मार्केट प्लेस में भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मजीद बात करें कॉइन लवलीनू को लेके, तो भाई यहाँ पे लवलीनू काफ़ी बड़े एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ चुका है। जी बिल्कुल, लवलीनू के जो होल्डर्स हैं वो काफ़ी एंग्री हैं, क्योंकि लवली ने जो 5 रिमेनिंग लिस्टिंग्स का जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं कर पाया है लवलीनू फाइनेंस, क्योंकि लवलीनू के काफ़ी सारे बुरे हालात चल रहे हैं। अभी जो उसका एंगर है वो कह रहे हैं कि लवलीनू एक फ्रॉड बन चुका है, लवलीनू एक स्कैम बन चुका है, लोगों का जो बिलीव है लवली से वो काफ़ी हद तक दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से लवलीनू का काफ़ी एक डंप सी चल रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी सी बातें थी, मैंने सोचा कि ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।